आप सबका मेरे चैनल आहार अंजलि में हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बिना प्याज लहसुन का मूंग दाल वड़ा। ये वड़ा भगवान जी को भोग चढ़ाने के लिए और हमारे जैन भाई बहनों के लिए प्रस्तुत है। एक कटोरी 200 ग्राम दाल मूंग की हमने रात भर पानी में भिगोई है। हेल्थ टिप, मूंग दाल को कम से कम 6 से 10 घंटे के लिए पानी में भिगोए, जिससे ये पचने में हल्की होती है और मूंग दाल में जो प्रोटीन्स होते हैं वो बॉडी के लिए अच्छे होते हैं तो वो एब्सॉर्ब हो जाते हैं। मूंग दाल का पानी निचोड़ कर इसे हमने मिक्सी के पॉट में डाल दिया है। इसमें स्वाद अनुसार कटी हुई 4 हरी मिर्च डाले, स्वाद अनुसार कटोरी भर हरा धनिया डाले, 1 चम्मच अजवाइन डाले, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाले, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाले, 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डाले। अब इसे मिक्सी में अच्छे से पीस ले। इसे अच्छे से पीस लिया है। हम इसमें मूंग की दाल 3 टीस्पून डालेंगे, जो कि हमारा की इंग्रेडिएंट है, इससे कि हमारे वड़े का सारा मॉइस्चर ये सोख लेगी, ये रवे जैसा खुरखुरा बनाए। अब हम प्लास्टिक पे वड़ा बना लेंगे। अब हम इसे उबालते तेल में लो फ्लेम पर अच्छे से सेक लेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। अब हमारे वड़े गोल्डन ब्राउन हुए हैं, यानी अच्छे से फ्राई हुए हैं। हमने दाल रात भर अच्छे से भिगोई थी, जिससे कि वो फूल गई। एक कटोरी दाल से 10 वड़े बने हैं। आप इन मूंग दाल के वड़ों को हरी चटनी, खट्टी मीठी कड़ी या मक्खन के साथ खा सकते हैं। हरी चटनी, खट्टी मीठी कड़ी की रेसिपी हमने आहार अंजलि चैनल पे शेयर की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, इसे आप जरूर देखें। ये वड़े अच्छे से फूल चुके हैं और बहुत स्पंजी हुए हैं। खाने में क्रिस्पी और क्रंची भी है। उम्मीद है आज को आपकी हमारी मूंग दाल वड़े की रेसिपी अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मूंग वड़ा बना खमंग वड़ा, खाते ही मुरीद होगा छोटा बड़ा, स्वाद और सेहत से जुड़ा जरूर बनाए मूंग वड़ा। धन्यवाद।